राहुल गांधी को अवमानना के एक मामले में सजा सुना दी गई है, लेकिन ऐसे कई मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। मोदी सरनेम से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिली, उन्हें 30 दिन के अंदर अपील करने की छूट भी मिल गई। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग अदालतों में 3 दूसरे मामले अभी चल ही रहे हैं। इस मामले में राहत मिलने या इस मामले के खत्म होने के बाद वे मामले भी उठाए जा सकते हैं और बीजेपी उन मामलों के जरिए भी राहुल गांधी को घेर सकती है। लिहाजा राहुल गांधी का संकट खत्म नहीं हुआ है। साल 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया था। उनके इस आरोप से संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, इसकी सुनवाई पूरी होनी है। एक दूसरा मामला झारखंड का है। साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ रांची में एक केस दर्ज किया गया था। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल गांधी के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर मोदी चोर है कहा था। राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला महाराष्ट्र में भी दर्ज है। ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। यह मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता ने दायर किया था। इसमें राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा था। जिन धाराओं में ये मामले दर्ज हैं, उनके मुताबिक दोषी पाए जाने पर 2 साल या उससे अधिक समय के लिए जेल की सजा हो सकती है, जुर्माना लग सकता है या दोनों लगाया जा सकता है। यानी ये साफ है कि राहुल गांधी का संकट खत्म नहीं हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी की रणनीति राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव 2024 तक उलझाए रखने की है, ताकि कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर ना हो सके।